और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है जहां पर राजस्थान ने अब जो पाठ्यक्रम है उसमें से सावरकर के नाम के आगे से वीर और देशभक्त शब्द हटाने का फैसला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो पाठ्यक्रम में सावरकर को शामिल किया गया है उसमें वीर और देशभक्त जैसे शब्द अब हटा दिए जाएंगे, यानी कि स्कूलों में जब सावरकर का पाठ पढ़ाया जाएगा तो उसमें इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि ये बताया जाएगा कि अंग्रेजों से बचने के लिए भागते रहे थे सावरकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान की गहलोत सरकार ने बीजेपी की जो सरकार थी पिछली उसके फैसले को पलट दिया है। कांग्रेस सरकार ने यह फैसला किया है कि बीजेपी की सरकार के दौरान स्कूल की किताबों में जो गैर जरूरी बदलाव हुए थे उन्हें वापस लिया जाए, यानी कि जो बदलाव किए गए थे उनको गैर जरूरी माना है राजस्थान सरकार ने। सावरकर से जुड़ी सामग्री में अहम बदलाव किया जा रहा है और इसमें विनायक दामोदर सावरकर को वीर और देशभक्त नहीं बल्कि जेल से बचने के लिए अंग्रेजों से दया मांगने वाला बताया गया है। बीजेपी ने इसे वीर सावरकर का अपमान बताया है और वहीं कांग्रेस कह रही है कि सिलेबस की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और बाकायदा उस कमेटी के जो सुझाव थे उसके मुताबिक ही यह नया सिलेबस तैयार किया गया है और इसमें राजनीति जैसी कोई बात नहीं है। राजनीति से इसमें साफ तौर पर इनकार कर रही है राजस्थान सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की जब सरकार थी, वसुंधरा राजे की सरकार थी, तो इसमें स्कूल के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया था और जो सावरकर हैं उनको पाठ्यक्रम में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फिलहाल राजस्थान की जो मौजूदा सरकार है उसने फैसला लिया है कि सावरकर पर जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव किए जाएंगे और सावरकर के नाम के आगे से वीर और देशभक्त जैसे शब्दों को हटाया जाएगा। पिछली सरकार ने स्कूली शिक्षा की जो पुस्तकें थी उसमें पाठ्यक्रम में अपनी राजनीतिक विचारधारा थोपने के लिए पाठ्यक्रम में इस प्रकार का बदलाव कर दिया था कि वो गलत रूप से आजादी से लेकर के जिन महापुरुषों का योगदान था उसको कम किया गया था और जिनका आजादी के समय में कोई योगदान नहीं था उन लोगों को, वीर सावरकर जैसे लोगों को ज्यादा महिमा मंडित करके दिखाया गया था। जब हमारी सरकार बनी, शिक्षाविदों की एक समिति बनाई गई पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए, उसने समीक्षा की और बड़े ही ठोस आधारों के आधार के ऊपर उन्होंने पुस्तकों में जो भी जिस किसी का भी वर्णन किया है वो किया है। वीर सावर जी के बारे में जो भी लिखा है पुस्तकों में उसके प्रमाण जिन शिक्षाविदों ने लिखा है उनके पास में मौजूद हैं। ये उन लोगों की एक सोच थी, आरएसएस की सोच के मुताबिक उन्होंने पाठ्यक्रम में बदलाव किया था अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए।